नमस्ते और ओम शांति। आपके 268वें दिन के ईश्वरीय वरदान में आप सबको स्वागत है। और आज परमपिता परमात्मा हमें संतुष्ट रहने की सबसे इम्पोर्टेंट कला सिखा रहे हैं, और उसमें कौन कौन से गुण हैं जो हमारे जीवन में होने चाहिए ताकि हम संतुष्ट रह पाएँ और किसी भी कार्य को आराम से सबको मिला करके करा पाएँ। ये नहीं कि सबके बीच में फूट डाल करके अपना काम करवा लिया, वो तो गुणी आत्मा की निशानी नहीं है। तो देखें आज परमपिता परमात्मा कहते क्या है। बाबा कहते हैं इस वरदान में सहनशीलता के गुण द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर सहनशीलता है वो घर को बांध के रह सकता है या रह सकती है। जिसके अंदर सहनशीलता है वो ऑर्गेनाइजेशन को, वो बिजनेस जगह को बांध के रख सकता है या रह सकती है। वो किसी भी ग्रुप में, किसी भी टीम वर्क को आगे बढ़ा सकती है। उसके अंदर ये लीडरशिप क्वालिटी होती है उस आत्मा के अंदर, जिसके अंदर सहनशीलता होती है। तो सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले, किसके, चाहे वो अपने संस्कार हो, कठोर संस्कार हो, या किसी और के कठोर संस्कार हो, वाले संतुष्ट मणि भवा, खुद भी संतुष्ट रहते हैं और को भी संतुष्ट कर देते हैं। बड़े आराम से काम करवा लेते हैं वो लोग जो बिल्कुल टॉलरेंट होते हैं, सहनशील होते हैं। जिनके अंदर टॉलरेंस नहीं होती वो तो फूट ला देते हैं, माई वे द हाईवे करते हैं, मेरे तरीके से ही होना चाहिए, मैं ही राइट हूँ, और बहस चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, काम वहीं का वहीं रह जाता है, दुनिया आगे बढ़ जाती है। तो परमपिता परमात्मा विस्तार में कहते हैं, देखे बाबा कहते हैं जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरज से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसको किसी चीज़ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, मैं राइट हूँ कि रॉन्ग हूँ उसको करने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहता है शांति हो, और वो शांति से ही अपनी सारी शक्ति लेता है वो व्यक्ति, वो आत्मा। तो कोई भी चीज़ जिसमें कन्फ्लिक्ट हो रहा हो वो उससे दूर तो नहीं, लेकिन उसमें आप सही हैं। नम्रता का गुण उठा करके आप सही हैं, हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, चलिए करते हैं इस चीज़ को इस तरीके से। हाँ अगर कहीं गलत होगा तो वो नम्रता से कहेंगे नहीं ऐसे करने से ये नुकसान हो जाएगा, लेकिन उनके अंदर सहनशीलता होती है। अगर कोई गलत रास्ते में भी चल रहा होता है तो वो सहनशीलता के द्वारा हाथ हटाकर नहीं, मदद के लिए हमेशा तैयार। वो गिरने वाला है वो देखते रहते हैं, गिरता है अगर उसको लगता है कि वो अपने अहंकार के कारण गिरने वाला है, वो सहन करेगा, सहन करेगा, जब गिरेगा तो मदद करने ज़रूर आएगा। कि उसके अंदर नम्रता है, उसके अंदर सहयोग करने की शक्ति, सारे गुण हैं परमात्मा के द्वारा दिए हुए। उस समय वो नहीं कहते देखा मैंने तो बोला ना तुम्हें ऐसे होगा ऐसा होगा, उसके अंदर अहंकार नहीं है, वो इसके मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे। तो परमात्मा कहते हैं हाँ एक और बात, सत्य को कभी सिद्ध करने की जरूरत नहीं। अगर आप राइट हैं तो किसी न किसी दिन वो चीज़ राइट हो जाएगी, ठीक है। दूसरे ने सीख लिया, आपने अपना पॉइंट प्रूव कर लिया, लेकिन आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप सहनशील नम्र आत्मा हैं। फिर बाबा कहते हैं जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं, क्योंकि उनको कभी भी किसी को ये जताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं राइट हूँ। और उनको जब जताने की पड़ती नहीं है जरूरत मैं राइट हूँ, तो फिर तू तू मैं होगा ही नहीं। तो वो खुद भी संतुष्ट रहते हैं, माहौल भी संतुष्टता का रहता है, घर का माहौल हो चाहे काम करने की जगह का माहौल हो, और साथ ही साथ वो औरों को भी संतुष्ट कर देते हैं, सबकी मान लेते हैं, चलो आपकी भी ठीक, आपकी भी ठीक, चलो काम करते हैं, काम तो पूरा करें ना। तो फिर कहते हैं परमात्मा संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो संतुष्ट नहीं होगा वो तू तू तो मैं में लगा रहेगा, वो अपने को सिद्ध करने में लगे रहेगा, और वहीं पे और मुठभेड़ होगी, वहीं पे और परेशानी होगी, और कन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा, और वो कार्य जो था वो हो नहीं पाएगा। हर कोई रूठ करके अपनी ईगो को लेकर के बैठा रहेगा। जो सहनशील होते हैं वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। चाहे किसी का कठोर संस्कार हो, कोई जिद करने वाला हो, तो बोलते हैं हाँ ठीक है चलो आपके तरीके से कर लेते हैं। वो समय जिद को आगे नहीं बढ़ाते, वो ना खुद ही जिद्दी रहते हैं ना औरों की जिद में उसको अड़ंगा बनाते हैं। वो औरों की बातों को मान लेते हैं, चलो करते हैं करते हैं, चलो काम तो करें ना। तो वो इस प्रकार की आत्माएं होती हैं जो कि मैनेज करती हैं, मैनेजमेंट करती हैं। और राजा क्या करता है? मैनेजमेंट। तो क्या आपके अंदर ये गुण है? अपने अंदर देखिएगा, नहीं है तो अपने कठोर संस्कार को चेंज कर लें, टॉलरेंट कर लें, टॉलरेट कर लें, और आपका काम सहज होना शुरू हो जाएगा। हर कोई आपसे संतुष्ट रहेगा और माहौल संतुष्ट होगा और आप भी शांति में रहेंगे। फिर बाबा कहते हैं उनका चेहरा ही गुणमूर्त दिखाई देता है, उनके चेहरे पे गुण दिखते हैं। बिकॉज आपके अंदर तो नम्रता होनी पड़ेगी किसी की बात मानने के लिए। अगर कोई गलत भी हो तब भी आप मान रहे हैं, चलो ठीक है
करो, आप करो अपने तरीके से। अगर आपको पता है कि वो गलत होगा, गलत उसका परिणाम निकलेगा, हाँ लॉस भी हो जाएगा, लेकिन उसको सीख तो चलेगी ना, सीख तो मिलेगी। लेकिन आपने नम्रता से सीख दी उसको, आपने सहन शक्ति से सीख दी उसको, अहंकार से, देखा मैंने बोला था ना करके दिखा, नहीं ये नहीं, ये गुण मूर्त आत्मा नहीं है। फिर तो परमात्मा कहते हैं उनका चेहरा ही गुण मूर्त दिखाई देता है, उसके अंदर नम्रता रहती है, करुणा रहती है, उसको पता है ये गलत कर रहा है, एनी टाइम वो गिर सकता है लाइफ में, तो आप उसके लिए पकड़ने के लिए भी हाथ आप जरूर रहेंगे, इसलिए आप गुण मूर्त हैं। आप ये सिद्ध करने के लिए नहीं कि देखिए मैं राइट था, तो परमात्मा कहते हैं उससे कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, आप सदा संतुष्ट रहेंगे, आपकी टीम भी सदा आपके साथ रहेगी, या आपका घर सदा आपके साथ रहेगा। गुण मूर्त दिखाई देता है उनका चेहरा, वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। ड्रामा में जो जो हो रहा है, जैसे जैसे सीन्स आ रहे हैं, चाहे अच्छे हों बुरे हों, सब में कल्याण समाया हुआ है, सब में कुछ ना कुछ सीख है। ये जो गुण मूर्त आत्माएं होती है जिनके अंदर सहनशीलता होती है, वो ड्रामा में जो भी सीन आती है उसको सहन करते हुए आगे चलते रहते हैं और नई नई चीज़ें सीखते हैं और शक्तिशाली बनते जाते हैं, अंदर से गुण मूर्त बनते हैं, जो कि किसको पसंद है, परमात्मा को। चाहे भल बार की आत्मा बोला, अरे ऐसा क्यों किया उसने, थोड़ा सा उसको दिखाना चाहिए था अपना हाव भाव, थोड़ा सा उसको दिखाना चाहिए था कि भैया मैं भी कुछ हूँ, लेकिन हम कुछ हैं किसकी नज़र में, परमपिता परमात्मा की नज़र में। तो परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं, ये गुण हम अपने अंदर समा कर रहें, इनको इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों में से, इन सारी बातों में से आपको कुछ चेंज करना है, तो ज़रूर आपने कमेंट नीचे दिए हुए बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और औरों के साथ भी शेयर करिएगा जिनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं, इसलिए नहीं शेयर करना, देखो इसको चेंज करा दूंगा मैं, इसको ये चीज़ समझनी चाहिए, पहले अपने अंदर देखिए, झांक करके अपने अंदर क्या कमियाँ हैं, और को छोड़ दीजिए और अपने आप से सीख लेंगे। ओम शांति।